और आइए इस बीच आपको ये भी दिखा देते हैं कि अब तक इस मामले में क्या कुछ बड़ा हुआ है। यहाँ पर सबसे अहम देखना यह है कि रिया चक्रवर्ती जो कि प्राइम अक्यूज्ड हैं, और आज जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है तो क्यों गिरफ्तारी हो सकती है रिया चक्रवर्ती की। सबसे पहले आप वजह नंबर एक देखिए, एनसीबी ड्रग्स पर रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं है और ये रिया के खिलाफ एक बड़ी तस्वीर उभरती है। वजह नंबर दो, शौविक रिया के लिए ड्रग्स लाने की बात कबूल कर चुका है और यह गवाही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बहुत अहम है। रिया के मोबाइल चैट में ड्रग्स मंगाने के सबूत मिले हैं और ये चैट्स भी जो है आगे इन्वेस्टिगेशन में काम आएंगे। लेकिन गौरव आर्या से ड्रग्स को लेकर संबंधों की बात भी सामने आ रही है और शौविक से ड्रग्स लाने वाली बात रिया चक्रवर्ती ने कबूल किया। तो आप यहां से समझ सकते हैं ये पांच वजह रिया चक्रवर्ती के लिए एक बड़ा रीजन, एक बड़ा सबूत जिसको लेकर यह तमाम एक्शन जो है वो हो रहे हैं। लेकिन अब आपको हम ये बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती और शौविक ने अब तक की पूछताछ में क्या बताया। जो सवाल जवाब उनसे किए गए, लॉकडाउन में ड्रग्स खरीदा गया अप्रैल 2020, क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि आप और हम जब घरों में कैद थे, 169 दिन बाद आज देश में मेट्रो ट्रेन चलती है, आम आदमी आज सड़क पर निकलता है, लेकिन इन्हें लॉकडाउन में ड्रग्स आसानी से मिल रहा था। मार्च में सैमुअल और शौविक ने ड्रग्स खरीदी, जो रिया ने स्टेटमेंट दिया, शौविक ने भी जो जवाब दिया, देखिए लॉकडाउन में ड्रग्स खरीदा, शौविक ने बासित के जरिए ड्रग्स खरीदा, ये रिया चक्रवर्ती ने बताया अपने स्टेटमेंट में। रिया ने ड्रग्स के लिए कहा, ऐसा शौविक चक्रवर्ती जो कि भाई है उसका कहना है, और रिया ये कह रही है कि ड्रग्स मंगवाया भाई से, लेकिन किसके लिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आज रिया चक्रवर्ती से सुशांत को लेकर भी सवाल जवाब मुमकिन है। सुशांत के परिवार को क्या आपने बताया, और अगर बताया तो किस मेंबर को सुशांत के बारे में जानकारी दी और बताया। सुशांत के घर अक्सर क्या आना जाना होता था, घर में पार्टीज में कौन आता था, तो ये तमाम सवाल सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, मौत से पहले पार्टी कब हुई थी, कौन कौन लोग वहां पर हुए थे। अब जरा आप इस तस्वीर को देखिए, ये पांच सबूत हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन में एनसीबी सीबीआई के लिए बहुत अहम है। सबसे पहला सबूत है रिया चक्रवर्ती का फोन, क्योंकि इस फोन से बहुत सारी डिटेल सामने आई। दूसरा अहम सबूत शौविक, सैमुअल और दीपेश के बयान, जो कि गवाही है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक तरह से। सबूत नंबर तीन, ईडी ने खास लोगों से लेन देन पकड़ी है, और जो ड्रग्स डीलिंग को लेकर जो सबूत ईडी के पास है, देखिए उसी ने एक तरह से लीड का काम किया इस पूरे केस में। चौथा सबूत, आपको बताएं जिस तरह की पूछताछ इन तमाम लोगों से हुई है, उसके बाद सुशांत के परिवार के बयान भी बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि इनका मेल किया जाएगा। और पांचवा अहम सबूत है रिया और गौरव आर्या, जो कि गोवा का एक कारोबारी है, उनके बीच की जो चैट्स है। हालांकि जब आज तक कोई इंटरव्यू दिया रिया चक्रवर्ती ने, तो कहा कि वो गौरव को जानती हैं, मिली भी हैं, लेकिन ड्रग्स वाली डीलिंग को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है वो सही नहीं है। रिया चक्रवर्ती के पांच दांव, सवाल था क्या आपने कभी ड्रग्स लिया, उन्होंने जवाब दिया नहीं। सवाल था क्या ड्रग्स के बिजनेस में आप शामिल हैं, जवाब दिया गया नहीं। क्या सुशांत को कभी ड्रग्स दिया, इसका भी रिया चक्रवर्ती ने जवाब दिया नहीं। अगला सवाल, क्या ड्रग्स की सप्लाई आपने की, यानी आप ड्रग्स की डीलिंग में शामिल थी, जवाब दिया गया नहीं। तो यानी आप ये देखिए, ये सवाल जवाब रिया की ड्रग्स कनेक्शन को स्टैब्लिश करने की दिशा में एनसीबी कर रही है। और ड्रग्स मामले में इस वक्त अब तक की सबसे बड़ी खबर जो है वो आपको हम बता दें, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी आज के दिन में मुमकिन है। आज वो जो भी स्टेटमेंट देंगी वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। पूछताछ पिछले एक घंटे से जारी है, इससे पहले कल भी पूछताछ हुई थी और अब आज एक बार फिर पूछताछ का दिन। लेकिन आज का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है, गिरफ्तारी मुमकिन है। और जिस तरह से शिकंजा कसा है एनसीबी का, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम कर एनसीबी इस मामले में आगे बढ़ी है, और पूछताछ गवाहियों के आधार पर जो लिंक, जो चेन स्टैब्लिश की है एनसीबी ने, उसे लेकर रिया की गिरफ्तारी भी आज मुमकिन है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।